आज के वीपीएन ट्रिक के पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह एड्स सेटअप करने और कितने एड्स आपको लगाने चाहिए जो कि आपका अकाउंट भी बैन ना हो एड्स वगैरह का। तो सब कुछ मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, एंड लेवल तक आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने तब तक पेमेंट मेथड नहीं लगाना जब तक मैं ना कहूं। मैं आपको पार्ट थ्री के अंदर बताऊंगा कि आपने पेमेंट मेथड कब लगाना है और किस तरह लगाना है। तो अभी मैं क्या कहता हूं कि यहां पे वेबसाइट के अंदर जाता हूं और इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे आपने क्या करना है कि ये वाली जो पोस्ट मैंने बनाई है ये मैंने पहले पार्ट के अंदर बताई है। तो ये पार्ट आपने नहीं देखा तो जाके अभी देखें, ठीक है। यहां पे लोडिंग हो रही है और यहां पे गेम प्ले होगी। जब तक ये लोडिंग हो रही है तो मैं वेट करता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि हमारी गेम जो है आ चुकी है। तो यहां पे प्ले का ऑप्शन ना, तो यहाँ पे प्ले करेंगे तो यहाँ पे गेम प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने ऐड लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्रूवल लेना है पहले। तो यहाँ पे मैं इसका क्या करूंगा कि यहाँ पे लिंक जो है कॉपी करूंगा, ठीक है, इस वेबसाइट का। यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडसेरा के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने वेबसाइट के अंदर जाना है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने एड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अदर पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो लगा होगा, ठीक है, इस पे आपने टिक कर देना है, ठीक है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पहला जो भी ऐड लगाना है तो वहां पे आपने क्लिक कर देना है। फर्ज करेंगे जिस तरह मैं ये लगाना चाहता हूं तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेंडिंग चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्रूवल आ जाएगा एक मिनट के अंदर, ठीक है। उतनी देर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर जिधर भी हमने ऐड लगाना है वो मैं आपको बता दूं। हमने जो नेटिव बैनर का ऐड जो सिलेक्ट किया था वो हमने सबसे पहले ऐड लगाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर पहली लाइन के ऊपर हमने वो वाला ऐड लगाना है क्योंकि वो एक दो तीन चार और इस तरह के वो ऐड होते हैं। तो जब भी वो रिफ्रेश होगा तो हमारे चार ऐड चलेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि वहां पे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि वो हमें अप्रूवल मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं वहां पे ऐड सेरा के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी अप्रूवल हमें मिल चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और मतलब के ऐड हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मिल चुका है और अभी दूसरा भी हम सिलेक्ट करके चले जाते हैं और ये वाला हम लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने 720 मतलब जो मतलब के ये वाला जो बड़ा ऐड होता है ये वाला लगाना है जो बैनर ऐड होता है। तो इसको हम यहाँ पे गेट पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे जो है बैनर वाला जो है इसको हम बाद में लगाते हैं और ये वाला जो है यहाँ पे चार हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंटर दो दफा करना है, ठीक है। इंटर करने के बाद आपने इसमें दरमियान में कर लेना है, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे आपने फर्ज करें कि कोई भी आपको लफज याद रहे वो वाले आपने लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह मैं एक एक लिख रहा हूँ, ऐड लगाने सबको आते हैं लेकिन एक तरीका होना चाहिए कि कौन ऐड कहां पे लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीपीएम करना है हमने, तो यहां पे एचटीएमएल में करना है और यहां पे हमने आके पेस्ट कर देना है वो वाला ऐड जो हम लगाना चाहते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद फर्ज करें कि यहां पे हम लगाना चाहते हैं तो इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है अभी यहां पे अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारा जो है यहां पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार इस तरह ऐड आएंगे। जब भी रिफ्रेश होगा तो आपका सीपीएम इतना इंक्रीज होगा कि आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपने ये काम करना है कि जितने भी ऐड के मैं अप्रूवल लूंगा उतने ही ऐड के आपने अप्रूवल लेके तो वैसे ही लगाने हैं, ठीक है। तो मैं सारे ऐड्स के अप्रूवल लेके तो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि ये जितने भी ऐड्स आपको शो हो रहे हैं ये सारे एक्टिव आपने करवा लेने, ये सारे ऐड मैं लगाने वाला हूं। अभी यहां पे देख सकते हैं कि सात ऐड्स है और सातवां ऐड जो है हमने नेटिव ऐड ये वाला लगा लिया था यहां पे फर्स्ट पे, ठीक है। और बाकी जो है तीन ऐड मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूं और बाकी बाद में हम लगाते हैं। तो अभी मैं पोस्ट के अंदर जाता हूं। पोस्ट के अंदर आने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे नेटिव ऐड हमने फर्स्ट पे लगाया था, ठीक है। अगर मैं लगा के कोडिंग पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर मैं लगा के भी दिखाऊंगा, अगर ओपन करके दिखाऊंगा तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आ सकती है। इसलिए मैंने एड्स के नेम लिख दिए और साइज लिख दिए, वही एड लगाने हैं जो मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। आपने इस तरीके से एड लगाने हैं। यहाँ पे देखे कि पहला नेटिव एड है, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, उसके नीचे गेम आ रही है, गेम के नीचे और ऊपर कोई एड नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे
देखें कि आर्टिकल आ रहा है, उसके नीचे यहाँ पे 728 वाला जो एड चल रहा है ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ये फोटो के ऊपर यहाँ पे एड आ रहा है ठीक है 728 वाला, और यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे 300 वाला जो है यहाँ पे लगा हुआ है एड ठीक है यहाँ पे, और हर आर्टिकल के नीचे यहाँ पे एड होना चाहिए ठीक है, एक आर्टिकल हो फिर एड हो, फिर आर्टिकल हो फिर एड हो ठीक है। आप क्या करते हो कि मैंने काफी सारी वेबसाइट देखी है तो वहां पे एक आर्टिकल छोटा सा होता है ठीक है, तकरीबन इतना सा आर्टिकल होता है और नीचे एड ही एड होते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट ज्यादा बैन हो जाता है, और आप एड इस तरह लगाते हैं कि यहाँ पे 728 वाला लगा है तो उसके नीचे भी 728 वाला लगा देते हो, इस तरह नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ तरीके के साथ लगाना है, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे 300 वाला लगा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे 728 वाला लगा है, फिर यहाँ पे कोई और लगा है ठीक है, छोटा बड़ा इस तरह एड लगा होना चाहिए ठीक है, पहले छोटा आए फिर बड़ा आए और फिर दूसरा एड आए ठीक है, फिर नेटिव एड आए, इस तरह के कुछ लगाने हैं तरतीब के साथ लगाने हैं ठीक है, और मैं अभी शुरू से लेके एंड तक आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे नेटिव एड है ठीक है 728 वाला ठीक है, और यहाँ पे 300 वाला ठीक है, यहाँ पे सारे एड्स आप देख सकते हैं ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, अगर आपके एड्स ज्यादा लगाने हैं आपने तो आपने आर्टिकल बड़ा लिखना है ठीक है, टोटल जो है पोस्ट के अंदर आपने 8 ऐड लगाने हैं ठीक है, अभी मैंने 9 ऐड लगाया है क्योंकि मेरा आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें कि 728 वाला मैंने लगाया है ठीक है, 1 2 ठीक है और 3, यहाँ पे देखेंगे 4 ये ऐड होने चाहिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 300 वाले 2 होने चाहिए ठीक है, यहाँ पे देखें 1 और यहाँ पे 2 ये वाला ठीक है, तो और उसके बाद ये वाला ऐड 2 होने चाहिए ठीक है, 1 और यहाँ पे इसके नीचे आएगा ठीक है, यहाँ पे 2 करके वो वाले हो गए ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और यहाँ पे 4 ये हो गए ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये वाला ऐड जो है इसकी आपको अर्निंग मिलेगी, और सबसे ज्यादा अर्निंग किसकी मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है अभी नेटिव एड जो है ठीक है, ये कब आपको कितनी अर्निंग मिलती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले नंबर पे जो है डायरेक्ट लिंक की ज्यादा अर्निंग होती है, दूसरे नंबर पे होती है 728 वाली, और तीसरे नंबर पे होती है नेटिव एड की, ये 3 एड्स अगर आप लगा लेते हो और उसके बाद दूसरे एड्स भी लगा लेते हो उससे भी अर्निंग होती है, लेकिन ये 3 एड्स आपको सबसे ज्यादा अर्निंग देते हैं, अभी हमने ये 4 एड्स लगा लिए और अभी हमने ये 3 एड्स लगाने हैं ठीक है, अभी हमने पहला जो एड है ये वाला लगाना है ठीक है, डायरेक्ट लिंक इसको हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पोस्ट के अंदर आना है, पोस्ट के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है ठीक है, हर आर्टिकल के अंदर आपने एक ऐड लगाना है ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये छोटा सा आर्टिकल लिखा है लेकिन इसके अंदर नहीं लगाना है ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करेंगे यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इस आर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है ठीक है, वो जो डायरेक्ट लिंक था तो यहाँ पे ओपन पे आपने क्लिक कर देना है ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है ठीक है, यहाँ पे एक लग चुका है ठीक है, हर आर्टिकल के अंदर आपने एक लगा देना ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट लिंक, अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे पोपंडर ऐड लगाना है, और यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है यहाँ पे डायरेक्ट लिंक लगाने को, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इतना आर्टिकल जो है इसके अंदर एक लगाना है ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एक लगाना है, हर पोस्ट के अंदर इसी तरह काम करना है, और अभी हमने पोपंडर ऐड लगाना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हेडर के नीचे पेस्ट करना है, लेकिन आपने मेरे वाली ट्रिक यूज करनी है ठीक है डबल अर्निंग करने के लिए, तो अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं अभी थीम के अंदर आऊंगा और यहाँ पे देखेंगे इस पे आपने क्लिक करना है, HTML के अंदर क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हेडर लिखा हुआ है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है ठीक है, पेस्ट करने के बाद अभी आपने जाना नहीं है ठीक है, यहाँ पे आपने इंटर करना है और यहाँ पे फिर से आपने इस पे पेस्ट कर देना है ठीक है, यहाँ पे 2 दफा आप पेस्ट करेंगे, इससे ये होगा कि एक ऐड अगर ना चलेगा तो दूसरा ऐड आपका चलेगा, अर्निंग आपको 100% मिल के जाएगी, तो अभी हम सोशल बार ऐड भी लगा लेते हैं तो फिर हम सेव करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा यहाँ से इस पे यहाँ पे देखेंगे सोशल बार है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बॉडी के नीचे ठीक है, इसमें भी आपने वही ट्रिक यूज करनी है ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा इसको कॉपी के बाद एंड पे चला जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है कि 2 बार आपने इंटर कर देना है ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद फिर से आपने क्या करना है कि यहाँ से एक दफा और इंटर करना है और यहाँ पे नीचे करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 दफा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, इस ट्रिक का यूज करके आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं ठीक है, ये ट्रिक बहुत कम लोग यूज करते हैं, अभी मैं यूज कर रहा हूँ ठीक है, अभी ये वाली वीडियो देखने के बाद हर बंदा यूज करेगा ठीक है, अगर आप मेरे वाली ट्रिक ये वाली यूज करेंगे तो आपको ज्यादा
ज्यादा अर्निंग मिलेगी। उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। ब्लॉगर पर आपने पोस्ट किस तरह बनानी है, ब्लॉगर किस तरह बनाना है, एड किस तरह रन करने है, और एड स्टेरा पे आपने अप्रूवल लेके तो एड किस तरह लगाने है। अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने व्यूज किस तरह लेने हैं, वो भी हाई सीपीएम, मेन इंपॉर्टेंट वो चीज है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर मैं बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।